Then I said to love and affection. मैंने सर से बोला, sir, there is nothing love. Love जैसा कुछ नहीं होता, ये सब interaction होती, attraction होती है. Then sir replied me कि जो प्यार में fail हो जाते हैं, reject हो जाते हैं, उनकी statement ऐसी होती है. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है, this is the correct time to reply him. So should I? 6 o'clock? नहीं. छुटे? तो क्या मैं भी आऊँ बोल? तो इसको एक शायरी किसको बोलूँगा मैं? मोहब्बत ने दिया है सब, मोहब्बत ने लिया है सब. मिला भी कुछ नहीं हमको, गिला भी कुछ नहीं हमको. ये सारी बातें काल्पनिक होंगी. पहले पूरी बात करने दो भाई, फिर इंटरप्ट करना. तो हमारे सैंडी भाई को कुछ दिन पहले एक लड़की से प्यार हो गया. भाई बहुत ही बन ठन के, सेंट लगा के, बाल स्पाइस करके, नोक वाले जूते पहन के गए लड़की के पास फूल लेके, और भगवान की दुआ से लड़की ने थप्पड़ मार के रिजेक्ट कर दिया. अच्छा तुम बैठो इधर, तुमको एक शायरी सुनाऊं? अरे रुक जाओ, ये तो भाई पे भी आएंगे. सुनाओ सुनाओ. तो फिर क्या हुआ, जब फिर चंडी भाई का दिल टूटा तो उन्होंने सोचा अब सच्चा प्यार नहीं करना, आप बस मजे लेने जिंदगी के. उसके कुछ दिनों बाद ये होता ना लड़कों में, हमेशा होता है यार कि हर वो कहता ना सच्चा प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती भाई. हर दूसरी लड़की देखते बंदे को सच्चा प्यार हो जाता है. बंदे को भी वैसा ही हो गया. अब ये बंदा पड़ गया प्यार में, तो कुछ लाइनें भाई ने गाई थी, अब कुछ लाइनें भाई के लिए मैं गा रहा हूँ कि प्यार के बाद भाई की हालत क्या होगी. कभी तू बाप बोलेगा, कभी तू सोन बोलेगा, चाहे कर ले बेटे कुछ भी आखिर में रो नहीं होगा. जहाँ पर चैन से सोते थे रातों के अंधेरे में, अभी उठ उठ के रातों में स्टेटस चेक कर लो. इसके बाद तुम्हें पता है जब ये प्यार का चक्कर होता ना, तो सबसे बड़ा नुकसान होता है बंदे का पढ़ाई का. इधर के तो इस पर डोला नहीं लिया. कभी कर दी. इसके बाद की दो लाइन, ये कौन सा कीड़ा उछला था भाई? इसे चुप करो यार, इसके अंदर का इंसान भर आ गया. इसके बाद की दो लाइनें और सुन लो. जब 20 के पास भाई ने गर्लफ्रेंड के पीछे खर्च कर दिए, तो क्या होता है सिन्हा सर्किट ट्यूशन में, वीना मैम रोज कहती है कहाँ है फीस के पैसे, बताए ये उन्हें कैसे, इसे चोरी बतानी है. प्रॉफिट कुछ नहीं होता भाई, लाइन तो भाई, लाइन तो सारी तुम्हारे. अब भाई ने मेरे बारे में तो बता दिया, अब भाई ने मेरे बारे में तो बता दिया, मैं इनके बारे में बता देता हूँ. ठीक है भाई, बता एक बार क्या हुआ भाई.
थोड़ा गरीब है, डीटीसी का पास भी है, तो भाई डीटीसी बस में जा रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ट्रेंडिंग कर रहे थे, यू नो ये मैं बता दूं भाई, मैं बहुत ही संस्कारी परिवार से वास्ता रखता हूँ, तो ये सब कुछ काल्पनिक है, बताओ भाई। सभी डांसर यहाँ आ जाए, सॉन्ग बजे अपने, नहीं तो लाइन में खड़े रहोगे। भाई कोई नहीं आ रहा है, क्यों क्यों तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, सीनियर हो यार, खड़े रहो, जूनियर को टाइम दे, थोड़ा काम है मेरा, हाँ बोल लेना थोड़ी देर बाद, बोल लेना कोई नहीं। तो भाई ये तो टीटीसी बस में देख, किसी ने यूट्यूब पे वीडियो बना ली, इनकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी, ठीक है। तो कभी तुमने लाइक तुम्हें डर लगा और थ्रिल मतलब महसूस किया है कि लाइक तुम्हारा मूड सेट है और तुम यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे हो और तुमको तुम्हें मिल गए, क्या भाई के साथ ये हुआ, भाई को भाई मिल गए, तो बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, चले तो भाई ने इंजॉय करी अपनी वीडियो, ये तो मैं ही हूँ। फिर बाद में भाई ने देखा अरे ये रिपोर्ट भी करना होता है, तो भाई ने रिपोर्ट करा उसको, तो रिपोर्ट की जगह बन गया शेयर, लग गया शेयर, तो भाई वीडियो पे आगे मिलियन व्यू, कुछ करो यार, क्राइम्स करप्शन जैसी चीजों से जूझ रहा है, इस इन मुश्किलों से देश हमारा उभरा नहीं कि एक नई मुसीबत आ गई जिसका नाम है टिकटॉक। तो टिकटॉक पे कुछ भी चल रहा है, मतलब कुछ भी, बंदे आंख काले करके, आंख लाल करके, बाल स्पाइक्स करके, चेस्ट खोल के डांस कर रहे हैं, आधे कपड़े उतार के डांस कर रहे हैं। तो हमारे शिवम भाई ने सोचा कि कुछ बदलाव लाया जाए सोसाइटी में, तो भाई ने भी टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया और इन्होंने कहा कि लोग आधे कपड़े खोल के डांस कर रहे हैं टिकटॉक पे, अब मैं पूरे कपड़े खोल के डांस करूंगा। और इस प्रोसेस में जो कहते हैं ना, रसगुल्ला कढ़ाई में डाल दिया गया है, उसमें चाशनी लगनी है, जो लोग समझना समझ जाना कि टिकटॉक पर भाई ने अकाउंट बना लिया है, चाशनी लगनी है, जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। अरे सर दिखा रहा है, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है, साले दोनों ही गटर में गिरेंगे, प्यार प्यार की बात कौन कर रहा है, देख तो रहे थे, और बीच में तीसरा काना आके दोनों को हाथ दे रहा है रेडियो को चढ़ता बढ़ता देखने के लिए, यार जब तक आवाज नहीं आएगी मैं बुलाऊंगा ही नहीं। अरे यार हाँ भाई क्या हुआ है, मैं अरे स्टेज पे आजा 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 बेटा आजा ऋतिक आजा आजा ऋतिक 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 प्लीज कम ऑन स्टेज ऋतिक आजा 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 With everything happening today, I don't know whether you are coming or going, but you're thinking what are you doing? Bol. SORRY, sorry. खेल गया भाई लड़का, खेल गया, खेल नहीं मतलब जमीन आसमान का फर्क है, वहां से हर कोई बोल देगा, लेकिन यहाँ पे खड़े के दो वर्ड बोलना जमीन और आसमान का फर्क, ये बात दिखेगा भाई। थैंक यू उछलो उतना ही जितना कवर कर सको, सूरज को छूने की गलती मत करना, नहीं तो मुंह केवल आके जमीन पे गिरोगे, जमीन में छोड़ना भाई। अरे अरे बहुत पका लिया, परफॉर्मेंस को बुलाया जाए। Good morning. One more. This boy is preparing for IELTS. He is good. He has been trying enough to improve himself. He started with low esteem, but he is doing well. He is not a regular student, but he is trying his best. When he started coming to institution, he was very slow. Even he did not understand basic properly. But when I started teaching him, gradually he started learning. So 7 o'clock morning, one more student, Parmesh Gupta. 7 o'clock. Piyush Sharma, he will speak about himself because he knows himself better. गाने में आवाज नहीं जाएगी मेरी। हेलो एवरीवन,
Yeah, my name is Piyush and people don't know anything about me. I'm a very old student. I started running here. I joined first batch when I was there. I was the team leader of 11 o'clock batch. Yeah, I was the team leader of 11 o'clock batch. I used to be here since 2006. I started learning with this institute. It was a great place for me. I didn't know anything. I didn't even know anything about English. I studied in a government school. That was in Adarshnagar. When I started learning, got to know everything about English. Slowly and gradually, I was able to learn. And then I just got an opportunity to work with a company. Then that was my first company that I started with in 2009. That was a great place for me, and then I moved on. First company was Genpact, then other companies, then I started with. Now finally I'm with one of the companies, which is American Express. So it's a great time that I've been through 14 years with the institute. I was a part of it, and now it's 17th one. And it should go on for everyone, because it's a great place for everyone. That's what I would say. And Sinha sir has given opportunity to everybody. And I was the one who didn't have money to pay him back. So I used to come in the institute, spend time, did not have anything, but I got to learn everything from you. And I hope so, everybody should be able to get it. And it's something that I'm able to see here. And thank you so much everyone for giving me this time. Thanks. Guys, some appreciation for the success that Guy has achieved. You gotta show me to know. You gotta know me if you ask me. You gotta show me to know. बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या मुझसे दूर कहीं ना जा बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या तेरी मेरी कहानी रही बन गई मेरा हो गया मैं तेरी हो गई जहाँ जाए तू संग मुझ ले जा Hey!
Bye.
एक मिनट ऐसे रहेंगे सामने, वेट ऐसे रहेंगे सर सामने, भाई सामने देखना, ओके This year I completed 18 years. In last 18 years, if I tell you briefly, so I should tell you, it was very good. Nice journey. First you lift yourself, after you lift others. If you believe in me, mine and myself, you cannot do social work. Social work needs emotion, sentiments and ability to create others. When you become teacher or you become any social worker, you have a responsibility towards society. So first you start loving yourself. If you love yourself, you will love others. Don't doubt your ability. In 2014, I wanted to drop teaching because I got very good offer from one NGO. They offered me very good package to teach in NGO, but one incident changed my mindset. I would like to tell you that incident. It was January 2014 January. CCTV work was going on in my institution. It got late. It was 11 o'clock night. And I was scared because my bike was out of order and I had to go home. So it was very difficult for me, but I walked to C block stand and was standing for catching any auto or anything else. And I was scared of because it was January night and nobody was there, I was alone waiting. Suddenly a rickshaw puller came and said me, your name is S.K. Sinha? I said, yes. You teach English? I said, yes. He said, come and sit on my rickshaw. I said, why? What happened?
said, I will drop you, Rohini. I said, how will you drop me? You are having pandal riksha. It is 15 minutes. You can't take me there. It takes time. He said, no problem. Come and sit. So I asked him, why this kolabari? Why this gratification on me? He said, my son used to take drugs in 2010. And he was in bad company. Anyhow, I managed to send him to your institution. My son, before 2 months, got selected in a multinational company. And he started his journey. I'm still pulling rickshaw, but after a few months, I will drop pulling rickshaw. My son is on right way, and he got a lot of progress. So thank you. I changed my mindset at that time. I thought I have to do something. Manjil se badhkar manjil talash kar. Manjil se badhkar manjil talash kar. Mil jaye darya to samandar talash kar. Come on, continue. You want to do anything? Be crazy. You want to study? Come on, study more and more and more and more. Come on, continue. You want to do job? Dedicate yourself to job. You want to do business? Come on, do it. Don't see day and night. Don't see this, that. Come on, do your work. What people talk about you, don't care. People will talk. People will talk. You should continue your work. You should work to develop yourself. Many students asked me, sir, why don't you increase your fees? Why do you take only 400? I always say, I don't need money. I always say, I don't need money. They ask me, sir, everybody needs money. I said, everybody has a standard to think. Pyar mein koi pahad kaatta hai, koi nas kaatta hai, koi pankhe se latakta hai. Koi khud ko chaku maar leta hai. Har vyakti apne apne standard se sochta hai, har kisi ka standard hota hai. Koi kisi ki burai karke aage badhta hai. Koi apni ability se aage badhta hai. Everybody has his own standard. You should not see other standard. You should believe your standard. So don't ask somebody that why don't you do this work. Everybody has different standard of thinking. Understand? So start loving yourself. Start loving others. Lift yourself. Lift others. One quotation is very good for country, but I would like to tell you that quotation. If you really believe to develop yourself, if you really believe to go somewhere, if you really believe to find something in your life, if you really believe to achieve something in your life, first of all, you should decide where to go and how to go. Leverage. Don't mind anything else. In these 18 years, people copied me, people criticized me, many students left institution for different reasons. Many problems came in my life. But I think you should work. You should do your work. And start loving yourself. Jo bhara nahi hai bhao se jisme bahti rasdar nahi. Jo bhara nahi hai bhao se jisme bahti rasdar nahi. Wo hirday nahi, wo gadha hai jiske andar khud ke liye pyar nahi. You should love yourself. First love yourself, you will improve. Boy. नहीं पूरी में एक हाथ पूरी में बिजी है ना. अरे कर दो यार, क्यों लड़की की इज्जत खराब कर रहे हो, कर दो. ये जो दो दो डब्बे खा के बैठे हैं ना, ये दिख रहा मेरे को कितने डब्बे तुम लेके बैठे हो एक्स्ट्रा. भगवान माफ नहीं करेगा इनको. भाई छह साहब तो नीचे वो लेके बैठा रहा अकेला. अब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग का भाई ठीक है. एक और परफॉर्मेंस बुलाने जा रही हूँ, सच में वो भी बहुत अच्छी लगेगी. फ्रॉम फोर ओ'क्लॉक बैच अथर. ताले मेरे को भी बच्चे के लिए. शर्म कर ले, तुम तो लाख गुना अच्छा कर तो रहा है कुछ. ताले तो बजा दो, लोग बैठ के पूजा करे भाई. ताले भी तो बजती है. नहीं बजेगा भाई, नहीं मिल रही डब्बा नीचे भी तो जा सकता है. इस क्यूट से डांस के लिए खुल के तालियां बजाना यार. Yes.
It is her hard work, her dedication. Everything is done by you, you get progress. Teacher just shows you the way. You people do hard work, you get success. You come to me, just I show you the right way. Nothing else. My work is only to show you the way, rest of things you do yourself. So whatever she is, it is her greatness. She has done the great work. And everything is done by you. So don't mind.
never mind and keep on doing. So my place is always with you. Practical life, the practical values of life, right? So for the same, I have written here a few lines. If you love it, please give me a cheer up. यहाँ के यहाँ सिर्फ I'm sorry. Wait a second. So this is written by me. If you love it, please give me a cheer. यहाँ सिर्फ कागजों पे पेन घिसवा के ज्ञान जताया नहीं, बल्कि सच में कुछ सिखाया जाता है. यहाँ सिर्फ इंग्लिश का थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं, लाइफ का प्रैक्टिकल पहलू भी समझाया जाता है. और बाहर बड़ी इस बड़ी मतलबी दुनिया में ये एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है हमारा, जहाँ हर किसी को अपना परिवार का हिस्सा समझ के अपनाया जाता है. थैंक यू गाइस. ब्यूटीफुल एट बीइंग प्रेजेंटेड बाय मिस्टर प्रवीण फ्रॉम इवनिंग 7 o'clock, प्रेजेंटिंग लक्ष्मण एंड मेघना. प्लीज गिव अ बिग हैंड. ये जो स्वरूप मैंने धारण किया है, इसके कई कारण हैं. सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद परवेज हाशमी और मेरा स्वरूप श्री रामचंद्र के भाई लखन भैया श्री लक्ष्मण का है. और दूसरा स्वरूप लंका के नरेश रावण के ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत और मेघनाथ का है. आप सभी के सम्मुख आज मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं. ये रण युद्ध है जिसमें लक्ष्मण और मेघनाथ एक दूसरे को ललकार रहे हैं. पहले युद्ध में लक्ष्मण भैया मूर्छित हो जाते हैं और दूसरे युद्ध में मेघनाथ का वध हो जाता है. और आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं चाहूंगा अपना ये परफॉर्मेंस आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं. धन्यवाद. ओहो, तो अब युद्ध में बच्चे भी शामिल होने आ गए. ये रण स्थल है वीरों का, बच्चों का कोई खिलवाड़ नहीं. यहां धारे हैं तलवारों के, मिष्ठानों के बाजार नहीं. ये सुरूप लगा की नाक नहीं, पीछा ना बाली वानर का है. ये लहू लंकेश्वर का है. जिन दांतों का सूखा ना दूर. जिन दांतों का सूखा ना दूर, दुख होता है उन्हें तोड़ने में. चला जा रघुवंशे, खुश है खनाद छोड़ने में. अन्यथा तन का वध का अभिमान चूर्ण हो जाएगा. खर दूषण त्रिजटा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा. लंका पर रघुकुल की कमान कुछ इस कदर कड़की है. ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है. हाँ प्रतिघात पूर्ण होगा इंद्रासन वाले पापों का. सुर मंडल के मुनि मंडल के गौड़ मंडल के संतापों का. अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा शीघ्र मिटाए की पृथ्वी.
असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाए के पृथ्वी। इसलिए समझो इंद्र जी, ये इंद्रिय चीत पड़ रहा है। क्षत्रिय के काल धनु पे अब जगजीत चढ़ रहा है, वह नहीं कहीं दब सकता है। वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। उपदेश भरी बातें बालक तुझको बड़ी सुहाती है, ये बात हास्य की है कायर, नहीं ये बात तुझको भाती है। युद्ध कर बातों में क्या रखा है, युद्ध कर। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति का रूप धर आई मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है। जो ही ये तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभालो रघुवंशी, अब तू ना बचने पाएगा। ये इंद्रजीत भूमंडल पे अब लक्षण जीत कहलाएगा। ओम ओम। ये पहला रूप था। अभी लक्ष्मण भैया मूर्छित हुए हैं, थोड़ा राम जी के पास गए हैं, हनुमान जी जरा जड़ी बूटी लेने के लिए गए हैं, तो फिलहाल तब तक उनके आने का इंतजार करते हैं और दूसरे युद्ध का भी इंतजार करते हैं। चालिया किंतु अब की ना बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी किंतु अब के प्राण गवाएगा। युद्ध कर बातों में क्या रखा है, तो कायर है कायर था, ब्राह्मण पद धोखा है। ओहो, बच्चा है बालक है। अरे बोबुल बोबा, तेरे दूध पीने की उम्र, तू यहां युद्ध करने आया है। डाली डाली उछल कर दिखलाता है चाल, अभी बंदी किए देता हूं, ले अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूं, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्ग लोक, पर इंद्र जीत का पाया है। पर तू भयभीत ना हो मन में, तुझको अपना बलना दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख तेरी गर्दन काट ले जाऊंगा। देख उनका चोगा कैसा लाल है, तेरे लहू से आज मैं उस चोगे को भी धोऊंगा।
श्री राम प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा, तेरा वध करूंगा। इसलिए समझ जाना ओ इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत पड़ रहा है। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी, मैं प्रभु के हाथों मारा जाऊंगा। हे प्रभु माफ करना। थैंक यू। इतना ज्यादा डर था, वो डर खोला किसी और ने नहीं, एसके सिन्हा सर ने। और मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद आप सभी ने मेरे को। थैंक यू। Normally, very rarely I used to come Jangipuri, but whenever I come, I used to come to Sinha Institute. I am here to just to motivate you that in here, as I believe, now I can say something to you, I can suggest something to you, which can help you, which I have got from my senior when I was studying here. I am not here to just to show my skills, not to show my words, not to show my education and all those things. I am here just to help you. I have seen so many students who just feel pressure about the English and all those things, and they got so many competitors, just feel jealous with them and whatever, so many things are there. But I just wanted to tell you, if you don't have any competitor, you are nothing. If you feel that you have competitor in your batch, definitely you will get success. As you need friend, as you need competitor also in your batch. So just respect your competitor as you respect your friend. And don't compete with them, be friendly with them. It's not about jealousy and all those things. Just love yourself, because the best you is the real you. And no one can better know you better than yourself. You know your limitation better than anyone. So don't give your remote to anyone that they can play with your heart and any other thing. Just ask to yourself whether you can learn or not. If your heart says you can't learn, that means you can't learn. Thank you, Guru. Thank you. And just a last word, you can mark that also. A winner is just a loser who tried one more time. यार अपने बैच के लिए तो तालियां बजा दो। Came to me when he was in 9th standard. He came from village, remote village. His accent was not good, his Hindi was not good, his words were not clear, he was not clear, his dress up was not good. He was very much struggling, confused. So he came to me in 9th standard and he said in his village tone, "Sa, sha, ra, ra," so many problems he had. So he came to me, he said, "Sir, I want to improve." I said, "Okay, no problem." I started working on him. Even he started improving. He worked a lot. This boy really, he really deserves social admiration, because he
has done miracle. He improved very much. This boy also inspired me. So I would like to call this boy, because this boy even inspired institution. Many people go modeling institution, many go for ram walk, this walk, that walk. They go to Bollywood, Hollywood. But this boy, belonging to a very common family, came from Bihar. He deserves the award. The award goes to, today he is model, he is modeling now, or he has done modeling for many, many companies. He will tell you name, I don't know the name of companies. His name is Chunnu Raja.